नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांग्लादेश के आंतरिक हालात पर है भारत की नजर। मौजूदा यूनिस सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा व्यवस्था चिंता का विषय। पड़ोसी देश बांग्लादेश से पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए हुए 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन वहाँ की अंतरिम सरकार अभी तक दीर्घकालिक प्रशासन का कोई रोड मैप नहीं दे पाई है। बांग्लादेश के मौजूदा आंतरिक हालात उलझे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों का ऊहापोह भी साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भारत नाउम्मीद नहीं है। भारत के कूटनीतिक रणनीतिकार मान रहे हैं कि अभी इंतजार करने की नीति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि वहां के भावी राजनीतिक घटनाक्रम में भारत के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति में पिछले 2 महीने में कोई बदलाव नहीं आया है। राजनीतिक अस्पष्टता पहले की तरह ही है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अगुवाही अंतरिम सरकार की तरफ से चुनाव कराने या प्रशासन का कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। मौजूदा पुलिस चुनावी व्यवस्था आदि में बदलाव के लिए समितियां गठित की गई हैं, जबकि संविधान में भी संशोधन करने के लिए अलग से समिति गठित करने का विचार हो रहा है। बांग्लादेश की केंद्र सरकार का सारा काम अस्थायी तौर पर हो रहा है। सरकार की आर्थिक नीति, विदेश नीति या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नीति सामने नहीं आ पाई है। पूर्व विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया की राजनीतिक पार्टी बीएनपी के भीतर भी इसको लेकर बेचैनी है। इसी हफ्ते बीएनपी के सदस्यों ने प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात कर उनसे आगामी चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने और अपने कैबिनेट से 2 मंत्रियों को हटाने की मांग की है। इनकी तरफ से कुछ न्यायाधीशों को हटाने व ब्यूरोक्रेसी से भी लोगों को निलंबित करने की मांग की गई है। उक्त सूत्रों के मुताबिक ये बता रहा है कि प्रोफेसर यूनुस के साथ बीएनपी के रिश्ते बहुत मधुर नहीं हैं। दूसरी तरफ पूर्व पीएम हसीना को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाने वाले जमात इस्लामी की तरफ से भी अंतरिम सरकार पर दबाव बनाने का दबाव है। ये बताया जा रहा है कि जमात के लोग अंतरिम सरकार की जगह जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार के गठन के पक्ष में हैं। पिछले दिनों अंतरिम सरकार के साथ बैठक में बीएनपी और जमात दोनों की तरफ से जल्द चुनाव कराने की मांग रखी गई है, जबकि अंतरिम सरकार का तर्क है कि जब तक हर स्तर पर सुधार का एजेंडा लागू नहीं किया जाता तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अंतरिम सरकार ने आवामी लीग, पूर्व पीएम हसीना की पार्टी और पूर्व पीएम हसीना की सरकार में शामिल दूसरे राजनीतिक दलों को विमर्श के लिए नहीं बुलाया है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे लगता है कि पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता काफी लंबे समय तक चल सकती है। उधर भारतीय उच्चायोग की गतिविधियां बहुत ही सीमित हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से भारत ने वहां से अपने काफी सारे राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिससे वीजा देने संबंधी प्रक्रिया भी काफी सीमित हो गई है। मांग के मुताबिक बीमार व्यक्तियों को भी समय पर वीजा देने में समस्या आ रही है। जब तक अंतरिम सरकार सुरक्षा प्रबंध को चाक चौबंद नहीं करेगी, भारत के लिए सामान्य वीजा सेवा देना मुश्किल है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।